Welcome to the online class of computer. Chapter का नाम है MS Word. आप जब भी कोई वीडियो देखे मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे. आज का हमारा टॉपिक है टेक्स्ट की नकल या उसकी जगह बदलना. देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको किसी भी टेक्स्ट पर जो भी आपका वर्ड प्रोसेसर है इसमें आप क्या करते हैं टाइपिंग करते हैं उसके बाद आप प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट आप तैयार करते हैं. किसी भी तरह का फंक्शन करने से पहले आपको उस वर्ड या उस लेटर को सिलेक्ट करना होगा. किसी भी लिखे हुए टेक्स्ट की नकल को करने के लिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसकी आप कॉपी करना चाहते हैं और एडिट मेन्यू में जाकर कॉपी करें तथा जहां पर आपको नकल करनी है वहां जाकर एडिट मेन्यू से पे कर दें. यानी सबसे पहले आप उन्हें सेलेक्ट करने से आप कॉपी करना चाहते हैं उसके बाद आप जाए एडिट मेन्यू में. एडिट मेन्यू में आपको ऑप्शन आएगा कॉपी, उसे कॉपी करें. फिर आपको जाना है एडिट मेन्यू में और जहां पर आपको जाना है वहां जाकर उसे क्या कर दें आप पेस्ट कर दें तो जो भी आपका लेटर है टेक्स्ट है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कॉपी पेस्ट हो जाएगा. बात करते हैं मूव करना. जो टेक्स्ट होता है आप कैसे मूव कर सकते हैं. टेक्स्ट को मूव करने के लिए आपको कॉपी की जगह क्या यूज करना पड़ेगा कट कमांड. लेकिन कॉपी में होता क्या है जिस चीज़ की आप कॉपी करना चाहते हैं वो चीज़ वहां पर भी रहेगी जहां से आपने ली है और जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर भी चल जाएगी. लेकिन कट में क्या होता है कट में उसकी जो पोजिशन है वह चेंज हो जाएगी वह अपनी ओरिजिनल जगह से हट जाएगी और जहां पर आप लेना चाहते हैं वहां पर वो चीज़ जाकर पेस्ट हो जाएगी. बात करते हैं टेक्स्ट को खोजना या बदलना. आप किस प्रकार किसी भी टेक्स्ट को सर्च या रिप्लेस कर सकते हैं. किसी भी लेटर टेक्स्ट के सेंटेंस को सर्च करने के लिए आपको एडिट मेन्यू से फाइंड एंड रिप्लेस कमांड का प्रयोग करना होगा. इसके द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट को जैसे लिखा हुआ मैंने बहुत कुछ यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं खोज सकते हैं उसके साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे लिखा हुआ मैंने राम इज ए बॉय. तो मैंने क्या किया राम इज ए बॉय मैंने क्या किया राम को पहले मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने राम को चेंज कर दिया किससे ही से. तो यहाँ पे क्या हो गया ही इज ए बॉय राम की जगह क्या हो गया ही. वैसे तो ये आपका लैब वर्क है जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे लैब में करवा दिया जाएगा. अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है किसी का वर्क इनकम्प्लीट है तो वह मुझे कॉल या SMS कर सकता है. ये वर्क केवल आपको समझना है. आज के लिए इतना ही है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.